हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आई थिंक ऑल आर फाइन सो टुडे वैकेंसी अपडेट में टू कॉलेज में वैकेंसीज के लिए इंफॉर्मेशन आई है दो कॉलेज का जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ हैं और कोई आपके जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी तो फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको मिल जाएगी तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल सके So, चलते हैं और चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज से नोटिफिकेशन आया है उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पीएचडी एडमिशन रिगार्डिंग वैकेंसी रिगार्डिंग और अगर आपको कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कॉमर्स के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड पीएच उसके साथ साथ जो भी डी एस एस के एग्जाम होते हैं उनके जो क्वेश्चन uh, हैं और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें तो चलते हैं और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन को तो ये है फर्स्ट कॉलेज आपका रामानुज कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट जो कि मित्रोल डिस्ट्रिक्ट पलवल में है हरियाणा में आपका और ई मेल आई डी इन्फॉर्मेशन एट द रेट रामानुज डॉट एजुकेशन डॉट इन इनवाइट अपलिकेशन फॉर द रेगुलर बेसिस रेगुलर बेसिस पे ये वैकेंसी सी निकली है एम के लिए टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है इसमें डायरेक्टर वन प्रोफेसर वन एसोसिएट प्रोफेसर थ्री एंड असिस्टेंट प्रोफेसर सेवन यानी कि टोटल इलेवन आपके टीचिंग डिपार्टमेंट से हैं नॉन टीचिंग से आपकी एडमिन ऑफिसर वन लाइब्रेरियन वन लैब अटेंडेंट वन कलर कम टाइपिस्ट वन ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट वन लाइब्रेरी अटेंडेंट वन पी एन फोर माली फोर चौकीदार फोर सफाई कर्मचारी फोर सो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे स्केल आपका जो है एज पर यू के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा लास्ट डेट जो है थर्टी फर्स्ट मार्च है थर्टी फर्स्ट मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी ये ध्यान रखिएगा और इसके साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि एक कॉपी आपको क्योंकि ये एम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है तो इसकी एक कॉपी आपको जब सबमिट करवानी होगी एम के डी सी डिपार्टमेंट्स में सभी जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक एक कॉपी आपको एम डी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवानी है और एक बाय रजिस्ट बाय पोस्ट या बाय हैंड आपको जो है कॉलेज की साइट पे सबमिट करवानी है बाय हैंड भी करवा सकते हो और बाय पोस्ट भी आप करवा सकते हो उसके बाद चलते हैं सेकंड में कि सेकंड कौन कॉलेज कौन सा है आपका सो so, ये आपका जो है सेकंड कॉलेज है आपका एक मिनट शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लो ये आपका मकरोली कला रोहतक में है और अप्रूव्ड है एमडी यूनिवर्सिटी से मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन है वेबसाइट मेंशन है ईमेल आईडी मेंशन है अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे पोस्ट है प्रि, प्रिंसिपल एसोसिएट प्रोफेसर टू असिस्टेंट प्रोफेसर लो में ट्वेल्व असिस्टेंट प्रोफेसर प्री लो इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स हिस्ट्री सोशोलॉजी एंड हिंदी सभी में एक एक आपकी रिक्वायरमेंट है नॉन टीचिंग में सुपरिटेंडेंट कल कम ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट अकाउंटेंट की वन लाइब्रेरियन की वन लाइब्रेरी अटेंडेंट की वन लैब अटेंडेंट की वन पीएन की टू स्वीपर की फोर मालिक की टू रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन पे स्केल रहेगा एज पर प्रायम्स के अकॉर्डिंग ट्वेंटी फोर मार्च इसकी लास्ट डेट है ट्वेंटी वन डेज के अंदर आपको अप्लाई करना है तो इसको भी आपको दो जगह अप्लाई करना है बाय हैंड भी दे सकते हो और पोस्ट बाय पोस्ट भी कर सकते हो एक आपको कॉलेज की साइट पे सबमिट करवाना है शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज मकरोली कला और एक आपको करवाना है एमडी यूनिवर्सिटी की इसकी जो कॉपी होगी वो आपको जमा करवानी होगी डीसी डीसी एमडी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कहीं फिर बाद में कहो कि मैम अप्लीकेशन सबमिट करवाई थी बट हमारा जो है इंटरव्यू के लिए नाम सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि कई बार क्या होता है कैंडिडेट्स कॉलेज में तो सबमिट करवा देते हैं बट एमडी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में सबमिट नहीं करवाते तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा दोनों जगह सबमिट करवाना कंपल्सरी है इसीलिए हम आपको वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और कई बार वीडियो को स्किप करके कैंडिडेट्स सुनते हैं तो उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती और फिर कहते हैं कि हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया वो इसी वजह से होता है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें So thank you so much.